तो हे एंड वेलकम गाइस, मजा नहीं आ रहा है। मैं क्या प्रणाम आप सबको हमारी तरफ से। तो स्वागत करते हैं हम आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, हाल फिलहाल आपको पता है, आई होप सो आप ब्लॉग डेली देखते हो और मुझे उम्मीद है आप देखते हो। तो आपको पता है कि हम लोग हैं मनाली में और मनाली बाबा मस्ती कराएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग और दिखाते हैं आपको कुछ अलग और सबसे हटके। तो चलो शुरू करते हैं प्यारा सा ब्लॉग। सो हे एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पे। तो आज का हमारा मेन मोटिव है मनाली में लो बजट में स्टे कहाँ कर सकते हो। तो अभी हम मनाली के बस स्टैंड में, आप थोड़ा सा व्यू मनाली बस स्टैंड में देख ले। तो गाइस, जैसे ही आप बस स्टैंड में बस से उतरेंगे तो आपको धर्मशाला यहाँ से करीब 5 मिनट के सफर पे है। तो आइए हम बताते हैं आपको कहाँ कहाँ से है रास्ता, आइए हमारे साथ। तो गाइस, आपको जैसे ही आप बस स्टैंड में उतरते हैं, उस साइड से बस आती है ना, आपको उस साइड नहीं जाना है, आपको दूसरी साइड आना है, अपोजिट साइड, ठीक है। वहां पे आपको सामने सीधे ही बैंक ऑफ बड़ौदा दिखेगा, ठीक है, उसके लेफ्ट पे, ठीक है, उसके लेफ्ट पे आपको सीधे गली के अंदर चले जाना है। तो आइए हम बताते हैं आपको, सीधा आपको दिख रहा है ना बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके सीधे लेफ्ट साइड से अंदर चले जाना है, गली है एक, मात्र 5 मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा इसी गली पे अंदर मात्र 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही गली में आगे चलते रहेंगे मात्र 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, आपको बीच में मनाली स्वीट्स बेकरी वहां दिखेगा, उसी के अपोजिट साइड में एक धर्मशाला है, मनाली धर्मशाला है, उसी के अंदर जाएंगे आप। इस पे आपको मात्र 50 रुपए और 30 रुपए का बेड कमरा मिल जाएगा, वहां पे आप एक कमरे पे 2 बंदे रह सकते हैं बड़े आराम से। तो आइए चलते हैं अंदर। तो आइए अभी चलते हैं हम रूम देखने। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, रूम ले लिया है। बाकी अभी हम ऊपर गए, पौड़ियों से चलते हुए, पहले तो रूम ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, फिर हमने ढूंढी लिया आखिरकार, और अभी हमने लॉक खोला और अंदर चले। बाकी ये रहा बेड आपका, डबल बेड लगा हुआ है, हमने अपना बैग रख दिया है, विंडो से बाहर अच्छा दिख रहा है। बाकी फर्नीचर वगैरह जो ऊपर लकड़ी का छत लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, मनाली वाली वाइब आती है। और ये मंदिर रहा आपका और ऊपर का थोड़ा नज़ारा। सो गाइस, जैसा कि आपको हमने रूम वगैरह बता दिए है, बट अभी रूम अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आजकल सीजन टाइम है तो करके अभी रूम अवेलेबल नहीं है, तो करके हम भी कहीं और ठहरना पड़ेगा, हम कहीं और ठहरेंगे। तो आप मतलब जितना जल्दी हो सके, या आपकी मतलब किस्मत पे डिपेंड है, आपकी किस्मत पे अगर रूम हो गए तो मिल जाएंगे, नहीं हो गए तो नहीं मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आज के ब्लॉग का समाप्ति हम यहीं करेंगे। कल अब मिलते हैं नेक्स्ट एंटरटेनमेंट या नेक्स्ट जर्नी के साथ। तो गाइज, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।